देखो, अब आपकी जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो मनी बेस्ड है. मनी बेस्ड में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको कहती हूँ आपके पास 5-5 रुपए के 7 नोट हैं, तो आपके पास कितने टोटल मनी है, तो आप क्या करते हैं 5-5 रुपीज के कितने नोट हैं, 7 मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास रुपीज आते हैं 35, है ना. तो ऐसे ही हमें ये यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें पास जो एक्चुअल मनी आती है, जो भी नोट्स हैं उनकी जो वैल्यू है और वो जितने नोट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ही हमें कितने मनी है ये पता चलता है. अब क्वेश्चन है, अ पर्स हैज ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इन इट. 1 रुपी के कॉइन्स है और 2 रुपीज. द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 1/3 ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन. ये देखो, ये आपको रिलेशन दिया है और पर्स में कितने पैसे हैं, टोटल 115 रुपीज. तो आपको बताना है 1 रुपी के कितने कॉइन है, 2 रुपीज के कितने कॉइन है. अब 2 रुपीज की कॉइन की रिलेशन दिया इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बी एक्स. तो 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो गए, 1/3 एक्स. ठीक है, हमें पहले क्या निकालना है, नंबर, राइट, कि कितने हैं वो, 5 रुपए के कितने कॉइन है, 10 रुपए के कितने नोट है, वो सारा. अब हम इक्वेशन बनाएंगे, ये हमें टोटल मनी दिया और हमें पता है हम टोटल मनी कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स ही आएगा, और 2 रुपीज में 2 मल्टीप्लाई 1/3 एक्स, ये टोटल हमारे पास मनी आ गई और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. बस लीनियर इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर लेना. अ पर्स हैज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन. अब 2 रुपीज और 5 रुपीज कॉइन है, ठीक है, सम ऑफ कॉइन्स इज 36, यानी 2 रुपीज कॉइन्स प्लस 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 36, और टोटल वैल्यू यानी टोटल मनी कितनी है, 84 रुपीज. हम दोनों ही निकालेंगे, 2 रुपीज भी 5 रुपीज भी, तो आप इसमें किसी को भी एक्स ले सकते हो. लेट 2 रुपीज, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स बी एक्स. ठीक है, तो 5 रुपीज कॉइन्स कितने हो गए, दोनों का सम कितना है, 36, ये एक्स उधर जाएगा दूसरी साइड, तो क्या आ गया, ये आ गया. तो यानी कि 2 रुपीज के जो टोटल कॉइन्स है वो एक्स है और 5 रुपीज के जो कॉइन्स है वो 36 माइनस एक्स है. अब वही मनी, तो 2 रुपए वाले टोटल कितने मनी है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, और 5 वाली कितनी है, 5 मल्टीप्लाई 36 माइनस एक्स. ये जो हमने यहां किया था 5 7 35, वही नंबर और उसकी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है, टोटल है 84. ये आपकी इक्वेशन बन गई, अब आप इसको सॉल्व कर लेना.